फैजाबाद लोकसभा के मिल्कीपुर विधानसभा के अमानीगंज बाजार में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में हुई योगी की जनसभा में अपार भीड़ उमड़ी। भीड़ को देख उत्साह से लबरेज योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस और सपा मिलती है तो अपशकुन होता है, आप लोग होशियार रहिए, ये लोग अपशकुन करने आए हैं। उन्होंने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को खून चूसवा की संज्ञा देते हुए कहा कि इनके गठबंधन ने ऐलान किया है कि जब इनकी सरकार बनेगी तो ये जनता के ऊपर जजिया कर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है उसको कुछ अपनी पार्टी के गुंडे मवेलियों को बांट देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिजली अधिकारी वर्ष 2024 के बिजनेस प्लान में अब बदलाव कर रहे हैं। सभी अधिशासी अभियंता दोबारा से रिपोर्ट बना रहे हैं। बदले हुए प्लान के तहत अब ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाएगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने का दावा किया जा रहा है। बिजनेस प्लान के तहत शहरी क्षेत्र के चारों डिवीजन में 20 करोड़ रुपए से अधिक के काम होने थे, जिसमें जर्जर तार और खंभों को बदलने के साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के काम स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अब प्लान में बदलाव किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता गौरव शुक्ला ने बताया कि एक फीडर पर दो ब्रांच होने पर RMU लगाया जाएगा। इसका ये फायदा होगा कि फॉल्ट होने पर उसे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति खुद ही बंद हो जाएगी, उसके बाद दूसरी ब्रांच से फॉल्ट वाले क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दी जाएगी। बरेली में चौकीदार को होमगार्डों द्वारा पीटने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि नवाबगंज के गांव बहोरनगला के रहने वाले चौकीदार वीरेंद्र धानुक मंगलवार शाम 4 बजे अपनी जमीन का फर्द निकलवाने तहसील गए थे, जहां तहसीलदार की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर गंगवार और रामपाल गंगवार ने उनके साथ अमानवीय ढंग से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। होमगार्डों ने वीरेंद्र धानुक को पीटते हुए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन प्रशासन द्वारा उक्त होमगार्डों का बचाव करते हुए मात्र शांति भंग में चलान करके आसानी से जमानत दे दी गई। इससे प्रशासन का सत्ता के दबाव में होना साफ जाहिर दिखता है। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि होमगार्ड वीर बहादुर गंगवार व रामपाल गंगवार के खिलाफ आपराधिक धाराओं में गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग। बरेली में अपने हिस्से की जमीन मांगने पर एक युवक और उसकी पत्नी पर पीड़ित की भाई बहन ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित किसी तरह जान बचाकर अपनी पत्नी के साथ न्याय की गुहार लेकर SSP ऑफिस पहुंचा। थाना इज्जतनगर मुदिया अहमद निवासी संतोष यादव ने SSP को शिकायती पत्र में बताया है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु बाद जमीन युवक व उसकी मां नन्ही देवी व भाई सुमित व बहन रीता यादव के नाम दर्ज हो गई है। आरोप है कि बहन रीता व भाई सुमित ने मां को बहला फुसलाकर जमीन बेच रहे हैं, साथ ही युवक को घर से निकाल दिया है। कल शाम पीड़ित पति पत्नी पर उसके दो बहनों और भाई ने हमला बोल दिया। पूरे मामले में युवक ने SSP को लिखित शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। बरेली में 2 दिन पहले कोचिंग की बात कहकर पूर्व फौजी का बेटा घर से गया था, उसके बाद में घर वापस नहीं लौटा। काफी जगह उसकी तलाश की गई, लेकिन उसके लड़के का कोई सुराग नहीं लगा। पूर्व फौजी ने इस मामले में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई है। थाना बारादरी क्षेत्र की हरुनगला कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र नाथू लाल पूर्व सैनिक है। उनका 15 वर्षीय बेटा देश दीपक 15 मई को दोपहर 3 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए गया, उसके बाद वो कोचिंग से वापस नहीं लौटा। देवेंद्र ने काफी जगह अपने बेटे को तलाश किया, लेकिन उसके बेटे का कोई सुराग नहीं लगा। उसे बेटे के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है। देवेंद्र ने थाना बारादरी ने अपने बेटे दीपू की गुमशुदगी दर्ज कराई है। बरेली में रात के अंधेरे में 2 चोर गांव में खड़े ट्रैक्टर की बैटरा चोरी करने की योजना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने ट्रक का बैटरा खोला, ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले तो उनकी जमकर धुनाई लगाई, उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर नवदिया निवासी फैजान पुत्र जुल्फिकार ने बताया कि रात उसके 3 ट्रैक्टर खड़े हुए थे, तभी वहां 2 युवक आए और एक युवक ने ट्रैक्टर का बैटरा खोलकर अपने साथी की बाइक पर रख लिया। इस दौरान उन लोगों को भनक हो गई। गांव वालों की मदद से चोरों के फरार होने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बरेली में दुकान के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले मारपीट के दौरान पथराव भी किया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना प्रेम नगर क्षेत्र के बांके बिहारी मंदिर के पास मोमोज की दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, वहीं कई बाइकों में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस से शिकायत करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और दबंग की तलाश शुरू कर दी गई है। बरेली में 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई,
जब इसका पता उसके पति को चला तो उसने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना बिथरी चैनपुर के रहने वाले युवक ने बताया उसके दो बच्चे हैं। परिवार में वो उसकी पत्नी सब ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे। 21 अप्रैल को उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई। उसने पत्नी को काफी तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस दौरान उसे जानकारी हुई कि उसकी पत्नी को पीलीभीत के थाना बिलसंडा के गांव घनश्यामपुर निवासी रवि पुत्र मुरारीलाल बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में युवक ने रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 132 ग्राम स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपी को जेल भेजा गया। मीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि तीन स्मैक तस्कर देवरिया अब्दुल्लागंज में स्मैक तस्करी करने को लाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके पास से 132 ग्राम स्मैक बरामद की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए युवकों में अपना नाम आरिफ, नाजिम, आमिर बताया। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वो किसान को अपने घर बुलाकर रिश्वत वसूल रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आंवला के गांव धका निवासी किसान प्रद्युम्न का कोर्ट में एक मामला चल रहा था। इसमें कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश कर दिया। आदेश के तहत जमीन की पैमाइश के लिए जब वो तहसील आंवला में लेखपाल नितेश माहेश्वरी के पास पहुंचे तो उसने रिश्वत में 20,000 रुपए की मांग की। रुपए न देने पर लेखपाल नितेश ने पैमाइश करने से इनकार कर दिया। इस पर किसान प्रद्युम्न ने एंटी करप्शन में मामले की शिकायत की। वहीं लेखपाल नितेश से बात की तो उसने गुरुवार शाम को प्रद्युम्न के लिए रिश्वत की रकम लेकर सुभाष नगर के पुरानी चांदमारी स्थित अपने घर बुला लिया। प्लानिंग के तहत प्रद्युम्न उसके घर पहुंचे और लेखपाल को बाहर बुलाया। जैसे ही प्रद्युम्न ने लेखपाल नितेश को रिश्वत के 20,000 रुपए दिए एंटी करप्शन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।